मैं रीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताऊंगी। आपके प्रैक्टिकल में जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन। तो ये म्यूजियम स्पेसिमेन के आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं इसके अंदर, और आप इसको आपके इसमें क्लासिफिकेशन और डिटेल में इसमें आपको पढ़ना है। जो दूसरा टॉपिक है वो है परमानेंट स्लाइड्स का। इसके अंदर जो परमानेंट स्लाइड्स है वो उसमें हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स भी आती हैं, और उसके अंदर जो एंडोक्राइनोलॉजिकल स्लाइड्स भी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा है डिसेक्शन। डिसेक्शन थ्रू चार्ट्स और मॉडल्स आपको बताया जाएगा। उसके बाद है परमानेंट माउंटिंग। तो परमानेंट माउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, परमानेंट स्लाइड्स कैसे बनाई जाती है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद आता है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स। तो बोन्स का में जो है कंपैरेटिव स्टडी आपको करवाया जाएगा, जिसके अंदर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड ईव्स, इसका आपको जो है कंपैरेटिव स्टडी आपको कराई जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वह डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको चार्ट्स के द्वारा, परमानेंट स्लाइड्स के द्वारा या मॉडल्स के द्वारा आपको जो डिफरेंट जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसको कवर करवाया जाएगा। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आपको वेरियस जो है ब्लड के एक्सपेरिमेंट्स और जो है एंजाइम एक्शन और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स हैं उसके कुछ स्लाइड्स को मैं आप डिस्कस करूंगी, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेबोरेटरी में जो हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स होती हैं उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करते हैं। जनरली हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो एक हिस्टोलॉजिकल स्टडीज से पहले थोड़ा सा मैं आपको माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक जो डायग्राम है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है डायग्राम भी है और प्लस उसके एक पिक्चर भी है। तो इस तरह का जो माइक्रोस्कोप होता है ये जनरली हमारे लाइब्रेरी में मिलता है। अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है ऑकुलर या आईपीस। ये यहाँ पे एक लेंस होता है जिसके थ्रू आप जो है स्पेसिमेन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप आईज़ को अपने टिकाते हैं इसलिए इसको आईपीस कहते हैं। ये एक आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए एक ट्यूब जैसा है ये। तो ऊपर तो है आईपीस और फिर आप ये देखिए ये बॉडी ट्यूब है, और बॉडी ट्यूब के नीचे आप ये देखिए ये राउंड सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसको नोज़ पीस कहा जाता है। ये नोज़ पीस के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव लेंसेस लगे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमारे पास ऑप्शन होता है दो, मतलब तीन ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तीन मैग्निफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। और ये जो नोज़ पीस है इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। इसका इस तरह से इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसको हम इस पर रोटेट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए एक ट्यूब जैसा है जिसके एक एंड पर तो आई पीस है और दूसरे एंड पर ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको एक स्टेज जैसा दिख रहा है, ये स्टेज होता है जिसके ऊपर परमानेंट स्लाइड्स रखी जाती हैं। और इसमें आप ये देखिए कि दोनों तरफ क्लिप होता है, इस क्लिप से जो है स्लाइड्स को दबा दिया जाता है ताकि वो खिसके नहीं, और एक स्टेबिलिटी वहाँ पर स्टेबल फॉर्म में एक स्लाइड रखा जा सके। और आप यहाँ पे साइड पे देखिए, यहाँ
पर एक आर्म है जिससे हम माइक्रोस्कोप्स को होल्ड करते हैं, उठाते हैं, और इसके ऊपर देखिए स्क्रू जैसा है, एक ऊपर की तरफ स्क्रू है जिसको हम कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट को जब हम मूव करते हैं तो ये जो ट्यूब है ये ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर नीचे होता है। उसके नीचे आप ये देखिए फाइन एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट को जब हम मूव करते हैं तो ये जो ट्यूब है ये बहुत स्लोली मूव करता है। तो एक बार जैसे हमने हमें फोकस हमने एक बार हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाए उसके बाद हम फाइन एडजस्टमेंट से उसको उसके फोकस को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप ये नीचे देखिए यहाँ पर है इंक्लिनेशन जॉइंट। इससे क्या होता है कि आप ना इसके जो पूरे आर्म को है इसको आप इसके एंगल को आप चेंज कर सकते हैं और आप जिस तरह से बैठे हैं उस हिसाब से इसको आप कंफर्टेबली अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप स्टेज के नीचे देखिए यहाँ पे लिखा यहाँ पे है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइट के अमाउंट को जो है रेगुलेट करता है। आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप डायफ्राम खोल सकते हैं, आपको कम लाइट चाहिए तो आप डायफ्राम बंद कर सकते हैं। उसके नीचे आप ये देखिए ये यू शेप का जो है ये बेस होता है जिसके ऊपर जो है ये पूरा माइक्रोस्कोप टिका रहता है। और आप यहाँ पे देखिए इल्यूमिनेटर दिया हुआ है, जो डायग्राम है इसके अंदर इल्यूमिनेटर दिया हुआ है और जो फोटोग्राफ्स है उसमें आप ये देखिए यहाँ पर जो है मिरर है, यहाँ पर आप देखिए होल्ड कर रहा है ये मिरर है। तो अगर आप नेचुरल लाइट यूज़ करते हैं तो आप इस मिरर की सहायता से आप लाइट को फोकस कर सकते हैं डायफ्राम के थ्रू। और अगर आप नेचुरल लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मिरर से जो है नेचुरल लाइट को ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन कई माइक्रोस्कोप्स में इल्यूमिनेटर दिया रहता है, यानी कि वहाँ पे एक छोटा बल्ब होता है और उस बल्ब की ब्राइटनेस को भी हम कुछ हद तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अगर आप किसी रूम में बैठ के भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल लाइट के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं और बल्ब से जो लाइट आ रही है उसी को हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली जो है मैग्नीफाइड इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो इसके अंदर जो दोनों ही लेंसेज के जो मैग्नीफिकेशन है वो मल्टीप्लाई होकर के एक्चुअल मैग्नीफिकेशन आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर 10x का है और आपका आईपीस भी 10x का है तो आपको 10 × 10 100 टाइम्स जो है वो इमेज 100 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो है इट मैग्नीफाइज द मैग्नीफाइड इमेज। जो ऑब्जेक्टिव ने जिस इमेज को मैग्नीफाई किया है आईपीस उस इमेज को और मैग्नीफाई करके आपको देता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी होती है जो आपको रखनी पड़ती है जब आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो भी आपका माइक्रोस्कोप है उसको आप उसकी सफाई आपको बराबर करनी पड़ती है। उसके लेंस को आप टिश्यू पेपर से या मसलिन क्लॉथ मलमल के कपड़े से आपको उसको पूछ आपको हमेशा उसको पूछ करके साफ रखना आवश्यक होता है। और इसके अलावा जो लेंसेज हैं इसके ऊपर फंगस आ जाता है इसलिए उसको हमेशा जो है सूखे स्थान पर रखना आवश्यक होता है, उसको कोई मॉइस्ट प्लेस पे नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप हाई पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर जब जब हम हाई पावर में जब देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब आ जाता है, यानी कि स्लाइड के बिल्कुल पास आ जाता है। तो
तो अगर आप कोर्स एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं तो कई बार स्लाइड टूटने का भी डर रहता है, इसीलिए आपको हमेशा फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल ही करना है। और कोशिश ये करें कि जिस समय आप ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उस समय आपको दोनों ही आइज़ खुली रखनी है ताकि आपके आइज़ पे स्ट्रेन ना पड़े। तो ये कुछ माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें थी। अब हम लोग अपने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड के डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड के स्टडी की सीरीज़ में हम सबसे पहले ममेलियन स्किन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ जो डायग्राम है ये है TS ऑफ ममेलियन स्किन। स्किन के दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर जो होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है, और जो इनर लेयर होता है या डीपर लेयर होता है उसको हम डर्मिस कहते हैं। और जो एपिडर्मिस है इसके 5 सब लेयर्स होते हैं, इसको हम एक एक करके देखते हैं। ये है स्ट्रेटम बेसेल, इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्यूलोसम, स्ट्रेटम ड्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। जैसे हम एपिडर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस का जो सबसे डीपेस्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसेल या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये जो लेयर होता है ये एक सेल थिक होता है, लेकिन कई बार अगर प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है या बहुत तेज़ी से इसमें डिवीजन हो रहा है तो ये 2 से 3 सेल थिक भी हो सकता है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल और क्यूबॉइडल होते हैं, और इनके जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी गहरा स्टेन लेते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डेंस होता है। इसके अंदर राइबोसोम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके बाद की बाद वाला जो लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और इसको प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। और ये 8 से 10 लेयर्स थिक होता है ये, मतलब और इसके जो सेल्स होते हैं ये पॉलीहेड्रल या राउंड होते हैं। और जो ऊपर के लेयर के जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लैट होते हैं अपने से नीचे के सेल के कंपैरिजन में। इनको स्पाइनोसम कहा जाता है, यानी कि स्पाइनस है या स्पाइन लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली डेस्मोसोम के अबंडेंस के कारण इसके अंदर ये स्पाइनस दिखता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके बाद आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होता है ये 2 से 5 सेल्स थिक होता है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद एक ट्रांसलूसेंट सेल्स का लेयर भी पाया जाता है। ये सब जगह नहीं पाया जाता, ये सिर्फ पाम्स में और सोल्स में पाया जाता है, और इस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ये 20 से 25 लेयर्स का जो जो है स्ट्रक्चर होता है या लेयर होता है। इसके जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं और इस पे न्यूक्लियाइज नहीं होते हैं। एपिडर्मिस से नीचे डर्मिस आता है जो 0.5 mm से लेकर के 5 mm तक का हो सकता है। और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं स्किन को, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स भी इसमें मिलती हैं। डर्मिस में कई प्रकार के फोल्ड होते हैं जिसको हम डर्मल पेपिला कहते हैं, जो एपिडर्मिस के अंदर घुस जाते हैं। और जो डीपर पार्ट होता है डर्मिस का वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इसके अंदर कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स पाया जाता है, सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है, हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं इसके अंदर। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक कॉइल्ड ट्यूब की तरह होते हैं, और ये जो है स्किन के सरफेस पे आकर के ओपन होते हैं।
सेबेशियस ग्लैंड सैक लाइक छोटे जो अल्वियोलर और सिंपल या ब्रांच्ड ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल के साथ खुलते हैं और ये एक तरह से ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। जो मेलानिन होता है ये जो है डीपर सेल्स में स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में पाया जाता है, जो एपिडर्मिस का जो डीपेस्ट सेल होता है उसके अंदर पाया जाता है। बाकी हेयर्स के साथ एक अरेक्टर पिलाई मसल्स भी पाया जाता है जो कि हेयर्स को इरेक्ट कर देता है इन केस ऑफ थ्रेट या इन केस ऑफ कोल्डनेस। जब कोल्ड वेदर हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तभी भी जैसे आपके जो वो हेयर्स खड़े हो जाते हैं तो ये इरेक्टर पिलाई मसल्स के कारण ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है स्किन का हिस्टोलॉजिकल स्टडी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको BSc पार्ट थर्ड जूलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स को स्टडी करेंगे, जैसे लंग्स है, किडनी है, एक्सेट्रा। थैंक यू।